नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आदर्श युवा एकेडमी AY एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं की सामान्य अंग्रेजी का जो आपका 17th लेसन है, टॉर्च वियरर्स। इसमें हम इसके सेकेंड पार्ट को यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। ए स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक। यह कहानी गुरु नानक के बारे में है, बताई गई है। दैट कि इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवलर्स ही केम टू ए विलेज। इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स, उनकी यात्राओं के दौरान, ही केम टू ए विलेज, वे एक गांव में गए। बिसाइड्स हिम, उसके अलावा, उनके अलावा, हिज डिसिपल, उनका शिष्य मर्दाना, आल्सो केम टू द विलेज। उनका जो गुरु नानक का जो शिष्य था, जिसका नाम मर्दाना था, वो भी गांव आया था। दे वांटेड टू स्टे देयर फॉर द नाइट, वे वहां पर रात्रि में रुकना चाहते थे। बट द विलेजर्स वर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल, लेकिन वहां के जो ग्रामवासी से बड़े ही असिस्ट और स्वागत न करने वाले थे, यानी कि प्रोत्साहित न करने वाले थे, अनादर करने वाले थे। इन हॉस्पिटेबल मीन्स होता है अनादर करने वाले, और रड मीन्स होता है असभ्य। एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज, और उन्होंने गांव में उन्हें किसी भी स्थान पर रुकने नहीं दिया। सो गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन, इसलिए गुरु नानक और मर्दाना को जबरदस्ती खुले रात में खुले में, यानी कि खुले आसमान के नीचे ही बितानी पड़ी पूरी रात। एज दे टर्नड अवे फ्रॉम द विलेज, जैसे ही गांव में, दे टर्नड अवे, गांव से वे बाहर गए सुबह। गुरु नानक ने कहा, आई प्रे दैट, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि द पीपल ऑफ दिस विलेज, कि इस गांव के लोग, में ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, कि इसी गांव में हमेशा रहें। मर्दाना वाज समवॉट पजल्ड एट दिस, जो मर्दाना था वो गुरु नानक, यानी कि अपने गुरु की इस प्रार्थना को देखकर अचंभित हो गया। पजल्ड एट दिस बट सेड नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। आगे देखिए, द नेक्स्ट नाइट, अगली रात्रि, दे केम टू अनदर विलेज, वे दूसरे गाँव में पहुँचे। वेयर दे रिसीव्ड ए वेरी डिफरेंट रिसेप्शंस, जहाँ पे उन्हें अलग तरह का ही स्वागत प्राप्त हुआ। द विलेजर्स वेलकम्ड देम, गांव के जो लोग थे उन्होंने उनका स्वागत किया। ट्रीटेड देम काइंडली, और बड़े ही अच्छे तरीके से उनके साथ व्यवहार किया। फाउंड देम ए प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट, और उन्हें रात्रि में रुकने के लिए जगह उपलब्ध कराई। एंड गैव देम फूड टू ईट, और उनको खाने के लिए खाना उपलब्ध कराया दिया। इन द मॉर्निंग, सुबह, एज गुरु नानक एंड मर्दाना वर लिविंग, जब गुरु नानक और मर्दाना उनके गांव को छोड़ के जा रहे थे, द गुरु सैड, तब गुरु ने कहा, आई प्रे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज, कि इस गांव के जो लोग हैं, मे नॉट रिमेन इन देयर विलेज, वे इसी गांव में ना रहें। बट मे बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री, मैं चाहता हूँ कि भगवान इनको आप देश के हर जगह पर फैला दो। स्कैटर्ड का मतलब होता है फैला देना, यानी कि ये जो लोग हैं इस गांव के, एक ही गांव में न रहकर पूरे देश में फैल जाएं, ये उन्होंने प्रार्थना की। बट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना, लेकिन यह मर्दाना के लिए बड़ा ही अचंभित करने वाला था। ही प्रोटेस्टेड, उसने इसका विरोध किया। व्हाई, क्यों? ही सेड टू द गुरु, उसने गुरु से कहा, डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स फॉर पीपल हु ट्रीट्स अस बैडली, डू यू, आप क्यों उनके लिए अच्छी प्रार्थना करते हैं, फॉर गुड थिंग, ऐसी अच्छी चीज़ों के लिए जो लोग हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, एंड फॉर मिसफॉर्चून्स फॉर दोज हु ट्रीट वेल अस वेल, और आप उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण प्रार्थना करते हैं जो लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। यानी कि यहाँ पर मर्दाना कहना चाहता है कि जो लोग हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, आप उनको कहते हो कि ये एक ही जगह पर रहें, और जो लोग हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उनके लिए आप प्रार्थना करते हो कि ये फैल जाएं, एक ही जगह पर ना रहें। तो इस ये सुनकर मर्दाना को बड़ा अचंभा होता है, और वो बार बार कहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आखिर गुरु आप ऐसा क्यों कहते हैं। यू शुड हैव प्रेड फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल विलेजर्स टू बी स्कैटर्ड ओवर द कंट्री,
यहाँ पे वो कहता है कि यू शुड हैव प्रेड, आपको प्रार्थना करनी चाहिए थी फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल, वो जो अनादर करने वाले जो ग्रामवासी थे कि वो पूरे देश में फैल जाए, एंड फॉर दीज गुड पीपल टू रिमेन कम्फर्टेबली वेयर दे आर, और आपको इन अच्छे लोगों के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए थी कि ये आसानी से आराम के साथ एक ही जगह पर आराम से रह सकें, लेकिन आपने ऐसी प्रार्थना नहीं की। नो, रिप्लाइड गुरु नानक। तब गुरु नानक जी ने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया, नहीं, इट इज़ बेटर फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल टू स्टे इन वन प्लेस वेयर दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस ओनली। तो उन्होंने कहा कि वो जो अनादर करने वाले लोग थे वो के लिए यही जगह सबसे बेहतर है, एंड सेल्फिश पीपल जो लोग स्वार्थी हैं, टू स्टे इन वन प्लेस, ताकि वो एक ही जगह पर रुकें, वेयर दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस ओनली, जिससे वो केवल एक ही स्थान पर ही लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इफ़ दे वेंट टू अदर प्लेसेस, यदि वे दूसरे जगह पर जाएंगे या दूसरे देश में दूसरी जगह पर जाएंगे, दे वुड हैव एन इविल इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू द कंट्री, तो उनका जो बुरा प्रभाव है, उनकी जो बुराइयों का प्रभाव देश के दूसरे लोगों पर भी पड़ेगा, यानी कि उनकी बुराइयाँ फैलेंगी। नाउ दीज गुड पीपल, लेकिन अब ये जो अच्छे लोग हैं, विथ हुम वी पुट अप लास्ट नाइट, जिनके साथ हम पिछली रात रुके थे, आर टू गुड टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, ये बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए इनको एक ही जगह पर नहीं रुकना चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखते हैं टू गुड टू, यानी कि टू डॉट डॉट टू का यहाँ पर प्रयोग हुआ, जिसका मतलब ये होता है ये इतने अच्छे हैं कि ये इनको एक ही स्थान पर नहीं रुकना चाहिए। दे हैव समथिंग विच इज़ नीडेड एनीवेयर, दे हैव समथिंग, उनमें कुछ ऐसा है विच इज नीडेड एवरीवेयर, जिसकी आवश्यकता हर कहीं पे है। देयर इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव, इन्फ्लुएंस मीन्स उधर प्रभाव, एंड देयर कैरेक्टर, और उनके चरित्र, विल बी ऑफ बेनिफिट टू अदर्स, दूसरे लोगों के लिए भी लाभदायक होंगे, वेयर एवर दे गो, जहाँ पर भी वो जाएंगे। हैंस दे आर टू बी स्कैटर्ड सो, इसलिए उनका बिखरना पूरे देश में बहुत ही जरूरी है। दैट दे कैन टेक देयर लाइफ टू अदर प्लेसेस, ताकि वे अपने प्रकाश से दूसरे जगहों को भी प्रकाशित कर सकें। तो ये फ्रेंड्स आप देखिए कि ये यहाँ पर ये लेशन है, और आगे हम देखते हैं कि नाउ वी हैव टू सी टू इट, नाउ वी ग्रो into such citizens that people will want the light of our character and our influence anywhere. अब we have to see, हमें देखना होगा to it इसको, that we grow into a such citizens, कि हम ऐसे नागरिक बनकर उठें या हम ऐसे नागरिक, इस तरह के नागरिकों को बनाएं, that people will want the light of our character and our influence everywhere, ताकि लोग चाहेंगे ऐसे चरित्र को, ताकि इस तरह हमारे चरित्र से, यानी कि यहाँ पे कहना कहा जा रहा है कि द पीपल विल वांट, लोग चाहेंगे द लाइट ऑफ आवर करेक्टर, हमारे जैसे जो चरित्र के लोग हैं और उनका जो प्रभाव है, हर कहीं लोग ऐसे व्यक्तियों को चाहेंगे। वी डू नॉट विश टू हैव द शॉर्ट ऑफ करेक्टर दैट विल मेक पीपल वांट अस टू स्टे इन वन प्लेस, वी डू नॉट विश, हम ऐसी इच्छा नहीं करते to have the short of character, कि जो कम चरित्र वाले लोग हों, जिनका चरित्र कमज़ोर हो, that will make people want us, वे ऐसे लोगों को नहीं चाहेंगे to stay in one place, कि वो कहीं पर रुकें, and not to mix with others, और वो किसी दूसरे के साथ में mix हों। If we are to be good citizen, यदि हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे, who will be able to serve their country, जो अपने देश की सेवा कर सकने योग्य होंगे। वी मस्ट बी कैरियंग लाइट विथ अस वेयर एवर वी गो, तो हम अपने साथ में एक प्रकाश लेकर चलेंगे जहाँ भी हम जाएंगे, एंड नॉट डार्कनेस, ना कि अंधेरा। आवर इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स मस्ट बी फॉर गुड, हमारा प्रभाव दूसरों पर अच्छा ही होगा, अच्छाई के लिए होगा, नॉट फॉर बैड, ना कि बुराई के लिए। आवर लिव्स, हमारा जीवन मस्ट बी सच दैट वेयर एवर वी गो, हमारा जीवन मस्ट बी सच दैट वेयर एवर वी गो, जहाँ पर भी जाएंगे ऐसा ही होगा, एंड वेयर एवर वी लिव, जहाँ पर भी हम रहेंगे। अदर पीपल शुड फील बेटर फॉर आवर हैविंग बीन विद देम, दूसरे लोग हमारा साथ पाकर अच्छा महसूस करेंगे। ए गुड सिटीजन इज ए सेंटर ऑफ लाइट वेयर ही लिव्स, एक अच्छा नागरिक प्रकाश का केंद्र होता है जहाँ पर भी वह जाता है, एंड
वाट एवर ही, अगले पेज में चलते हैं, डस, जहाँ पर भी जो भी काम करता है, द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन इन कंट्री, देश में अच्छे नागरिकों की संख्या ज़्यादा संख्या, द मोर एनलाइटन्ड विल द कंट्री बी एज ए होल, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस देश में ऐसे लोगों की संख्या जो अच्छे नागरिक हैं ज़्यादा होगी, वो निश्चित रूप से वो जो पूरा देश है वो प्रकाशित होगा। ए चैन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीक लिंक, यहाँ पर कहा जाता है कि एक जो चैन होती है, एक जो श्रृंखला होती है, वो इतनी मजबूत होती है जितनी कि उसकी सबसे कमज़ोर लिंक, यानी कि सबसे कमज़ोर कड़ी। ईच वन ऑफ अस ए लिंक इन द चैन दैट इज अवर कंट्री, हम में से प्रत्येक एक उस वही कड़ी हैं चैन की, दैट इज अवर कंट्री, जो हमारा देश है, यानी कि जिससे मिलकर हमारा देश बना है। इफ़ वी आर वीक और पुअर सिटीजन, यदि हम कमज़ोर और गरीब नागरिक रहेंगे, देन आवर कंट्री विल सफ़र, तो हमारा जो देश है वो सफ़र करेगा, कष्ट झेलेगा। इवन दो, यदि वी मे ट्राई टू कम्फर्ट आवर सेल्व विद द फॉल्स आइडिया, यदि हम अपने आप को बुरे विचारों के माध्यम से आराम महसूस कराना चाहते हैं, या हम गलत व्यवहारों के माध्यम से हम अपने आप को सुखी महसूस कराने की कोशिश करेंगे, इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस व्हाट वन पर्सन डज इन सच ए लार्ज कंट्री वेयर सो मैनी पीपल, दैट इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस, तो इससे कोई भी अंतर पैदा नहीं होगा। व्हाट वन पर्सन डज इन लार्ज कंट्री, इतने बड़े देश में एक व्यक्ति क्या कर सकता है, वेयर सो मैनी पीपल लिव, जहाँ पर ढेर सारे लोग रहते हैं। बट इफ वन कैंडल डज आउट देम देन इन दैट वन प्लेस दैट इज डार्कनेस इंस्टीड ऑफ लाइट, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इफ द वन कैंडल डज गोज आउट देन, यदि एक कैंडल, एक मोमबत्ती बुझ जाए, इन दैट वन प्लेस, एक स्थान पर, देर इज डार्कनेस इंस्टीड ऑफ लाइट, तो लाइट की जगह पर अंधकार हो जाएगा। इट इज़ ओनली व्हेन ऑल द कैंडल्स बर्न ब्राइटली दैट द होल हाउस विल बी फुल ऑफ लाइट, लेकिन अगर एक साथ एक ही जगह पर ढेर सारी कैंडल्स, मोमबत्तियाँ जला दी जाएँ, दैट द होल हाउस, तो पूरा घर विल बी फुल ऑफ लाइट, तो प्रकाश से भर जाएगा। ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, देयर फॉर, इसलिए, हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बींग ए गुड सिटीजन, हम में एक उत्तरदायित्व तो है कि हम एक अच्छा नागरिक बने। वी मस्ट सी, हम देखेंगे दैट आवर पार्टिकुलर लिंक इज द चैन इज नॉट वीक वन, कि ताकि हमारी जो एक व्यक्तिगत जो कड़ी है चैन की, वो कमज़ोर ना हो। व्हेन द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन लंदन इन 1948, जब ओलंपिक गेम का आयोजन किया गया था लंदन में 1948 में, ए फ्लेम वाज कैरीड टू लंदन फ्रॉम ग्रीस, तो एक फ्लैम, यानी कि एक ज्वाला, या जिसे हम कह सकते हैं मशाल, ले जाई गई थी ग्रीस से लंदन के लिए। वेयर द ओलंपिक गेम्स यूज टू बी हेल्ड इन टाइम्स लॉन्ग एगो, दिस फ्लेम वॉज कैरीड बाई ए लॉन्ग रिलाय ऑफ रनर्स राइट अक्रॉस यूरोप, यही जो मशाल है उसको धारण करके ले जाया गया था धावकों द्वारा राइट अक्रॉस यूरोप, यूरोप के आर पार। ईच रनर, प्रत्येक धावक कैरिंग ए लाइटेड टॉर्च लिए हुआ था, एक जलती हुई मिसाल लिए हुआ था, रन फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस टिल ही केम टू द प्लेस वेयर फ्रेश रनर वॉज वेटिंग फॉर हिम, वह उस जगह तक उतनी दूरी तय करता था जहाँ पर ही केम टू द प्लेस, वह उस जगह पर पहुँचता वेयर ए फ्रेश रनर, जहाँ पर एक नया रनर उसका इंतजार करता था। जैसे ही वहाँ पर पहुँचता, द न्यू रनर देन लेट द टॉर्च फ्रॉम द वन, तो जो नया जो धावक था वो उस मिसाल को ले लेता था और आगे बढ़ जाता था, दैट हैड बीन कैरीड टू हेम, और वह आगे तक जाता था। एज सुन एज ही हैड डन दिस ही सेट आउट टू रन विथ हिज लाइटेड टॉर्च टू हेयर द नेक्स्ट रनर वॉज वेटिंग, वह इस मिसाल को लेके वहाँ तक लगातार बिना रुके दौड़ता जाता था जहाँ पर नया धावक उसका इंतजार कर रहा होता था। ही हैड ए फ्रेश टॉर्च, हर धावक के पास में, हर एक नए धावक के पास में एक फ्रेश टॉर्च, नई मिसाल हुआ करती थी, विच ही एंड इन हिज टर्न, जिसे वह और अपनी बारी में लाइट फ्रॉम वन ब्रॉट टू हिम, और वह उसको जलाता
और उससे लेता ब्रॉट टू हेम, और वह आगे तक उसके पास तक ले जाता जो अगला व्यक्ति उसका इंतजार करता था। एंड सो फ्रॉम रनर टू रनर द फ्लैम वॉच करेड टिल इट रीच लंदन। इसी तरह से एक धावक से दूसरे धावक से होते हुए ये जो मिसाल थी लंदन तक पहुँची। फ्रॉम द लास्ट टॉर्च वॉज लिट द फायर व्हिच बर्नड ऑल द टाइम द गेम्स वर गोइंग ऑन। और जो अंतिम जो टॉर्च होती थी उसी के माध्यम से वहाँ जहाँ पर खेलों का आयोजन होता था वहाँ की जो मशाल है उसको जलाया जाता था और वह हर समय तक जलती रहती थी। द गेम्स वर गोइंग ऑन, जब तक गेम्स होते रहते थे। ऑल दो यद्यपि नथिंग वॉज सैड अबाउट इट, इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा गया। एंड नो नेम्स वर मेंशनड, और ना ही किसी का नाम शामिल किया गया है। एट वन प्लेस, एक जगह पर दरवाजन इंसिडेंट, एक घटना हुई थी। वन रनर विच हैंडिंग ओवर हिज टॉर्च टू फ्रेश रनर, एक धावक जब अपनी टॉर्च को अपनी मिसाल को एक नए धावक को सौंप रहा था, लेट इट गो आउट, तो वह बुझ गई थी। हाउ असेंबली ही मस्ट हैव बीन, तो उन्हें कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। ही हैड लेट द फ्लेम गो आउट, कि उन्होंने जो मिसाल है उसको बुझा दिया है। ही हैड ब्रोकन द चैन, उन्होंने श्रृंखला को तोड़ दिया था। ईच ऑफ अस, हमें से भी प्रत्येक, एज वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल छोड़ते हैं, हैज़ ए फ्लैम टू कैरी विच वी हैव टू पास ऑन टू अदर्स, तो हमारे पास में भी एक मिसाल धारण करने के लिए होती है, विच वी हैव टू पास ऑन टू अदर्स, जिसे हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पास करते हैं, सौंपते हैं। वी हैव बीन गिवन नॉलेज एंड स्किल, हमें ज्ञान और कौशल दिया गया है। दिस वी पास ऑन बाई यूजिंग देम इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा के लिए इसे दूसरे व्यक्ति को भी सौंपना है, यानी कि खुद को यूज करने के पश्चात हमें हमारे पास में जो नॉलेज है, जो कौशल है, उसे दूसरे व्यक्ति को भी सौंपना है। इफ़ वी डू नॉट यूज देम, यदि हम उनका उपयोग नहीं करते हैं, इट मीन्स दैट, इसका मतलब है दैट वी आर लेटिंग द फ्लैम गो आउट, इसका मतलब यह है कि हमने मिसाल को बुझा दी। एंड नन ऑफ अस, हम में से कोई भी wants to do that, ऐसा नहीं करना चाहता। But if we are going to be able to keep alight the torch, यदि हम एक मशाल को जलाए रखना चाहते हैं, that has been given to us, जो हमें दी गई है, we have to know, तो हमें यह जानना पड़ेगा how to look after it, कि हमें इसकी देखभाल कैसे करना है। And we have to know, और हमें यह जानना पड़ेगा how to hold it as we run, जब हम इसको दौड़ते हैं तो इसको कैसे पकड़ के रखना है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी हैव टू ट्रेन अवर सेल्व फॉर सिटीजनशिप, हमें नागरिकता के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। एंड फॉर सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश की सेवा के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। डब्ल्यू एम रिबर्न इसके लेखक हैं। और इस तरह से फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये बहुत ही सिंपल लेसन है, और यहाँ पर बताया गया है कि यदि आप अपने देश को उज्ज्वल बनाना चाहते हैं, अपने देश को प्रकाशित करना चाहते हैं, तो हर एक नागरिक को जो नॉलेज उसने प्राप्त किया है उसके अनुसार उसको यूज करना चाहिए, और दूसरे व्यक्तियों को भी अपने नॉलेज से प्रकाशित करना चाहिए, ताकि ये जो मशाल है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सौंपी जा सके और संपूर्ण देश उज्ज्वल हो सके, हर व्यक्ति यहाँ का यूजफुल हो और अपने देश के लिए काम करे। फ्रेंड्स, आप देखें अबाउट द लेसन सेक्शन में, तो यहाँ पर आप देखें कि इसका जो भावार्थ है वो शॉर्ट में दिया गया है, तो चलिए इसका भी हम भावार्थ जान लेते हैं। द लेसन कंटेंस टू वंडरफुल स्टोरी, यानी कि जो टॉर्च बियरर्स, मिसाल वाहक, मिसाल धारक जो लेसन है, वो दो कहानियों, आश्चर्यचकित करने वाली बहुत ही अच्छी कहानियों से भरा हुआ है। फुल ऑफ मॉरल एंड विजडम, जिसमें मनोबल और बुद्धिमत्ता भी है। एंड इजी टू अंडरस्टैंड, और समझना बहुत आसान है। इन द फर्स्ट पार्ट द राइटर, जो पहला भाग है उसमें राइटर डब्ल्यू एम रिबर्न सोच अस, हमें दिखाते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ विजडम इन लाइफ, कि जीवन में बुद्धिमत्ता का क्या महत्व है। द सेकेंड, द स्कूल्स आर द प्लेसेस, स्कूल वो जगह हैं वेयर द चिल्ड्रन आर सेप्ड एंड डेवलप्ड इन टू फ्यूचर सिटीजन्स, जहाँ पर बच्चे खुद को आकार देते हैं, विकसित करते हैं इन फ्यूचर सिटीजन्स, भविष्य में या नागरिक के रूप में। द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री फुली डिपेंड्स ऑन इट्स सिटीजन्स, देश की जो उन्नति है पूर्णतः इन्हीं नागरिकों पर निर्भर है। बीइंग गुड सिटीजन्स, अच्छा नागरिक होने के नाते, एक अच्छा नागरिक होने पर होते हुए, इज़ द रियल सर्विस टू आवर नेशन, यानी कि
एक अच्छा नागरिक होना इज द रियल सर्विस टू आवर नेशन, अपने देश की वास्तविक सेवा करना ही है। आगे देखिए इन द सेकेंड स्टोरी, जो दूसरी कहानी है टू द राइटर गिब्स, इसमें भी जो लेखक है ए मैसेज हमें देना चाहता है दैट इविल शुड रिमेन कन्फाइंड टू ए प्लेस वेयर गुड क्वालिटीज शुड स्प्रेड ऑल ओवर द मीन्स ऑफ गुड सिटीजन्स। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बुराइयाँ हैं उन्हें एक ही जगह पर रहना चाहिए, उनका फैलना नहीं चाहिए। वेरियाज गुड क्वालिटीज, जबकि जो अच्छे गुण हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक व्यक्ति से दूसरे नागरिक व्यक्ति तक, यानी कि अच्छे नागरिक तक फैलना चाहिए ताकि अच्छे नागरिक बन सकें। सिटीजन्स कैरी द टॉर्च वियरिंग द फ्लेम ऑफ नॉलेज, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो नागरिक हैं वो ज्ञान और कौशल की जो मशाल है उन्हें धारण करना चाहिए। विच इज़ टू बी पास्ड ऑन टू अदर्स, और उनको एक नागरिक से दूसरे नागरिक को सौंपना भी चाहिए। सिटीजन्स आर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री ऑफ ए कंट्री, जो नागरिक हैं वो देश की वास्तविक ताकत होते हैं। तो ये फ्रेंड्स इसका अबाउट द लेसन में भावार्थ है, और मेरा मानना है कि ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा।